वेलकम बैक टू ग्लैमरल श्वेता। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बहुत ही आसानी से स्मोकी आई लुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दो तरीके से ये आई लुक क्रिएट करना सिखाऊंगी। फर्स्ट, रेगुलर कैजुअल पेंसिल या स्टिक आप यूज करते हो उससे हम एक क्रिएट करेंगे स्मोकी लुक, और दूसरा जो है वो हम थोड़ा सा प्रोफेशनल यानी कि जेल आईलाइनर से क्रिएट करेंगे। दोनों ही लुक बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी और आप रेगुलर बेसिस पर भी इसे यूज कर सकते हो। ये एक बेसिक स्टेप है और आगे भी हम थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा और इन्हेंस करके स्मोकी लुक को ट्राई करेंगे। बेसिकली स्मोकी लुक को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किन किन कलर्स का यूज किया जाता है, सारी बातें इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो चलिए बिफोर फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो स्मोकी लुक को क्रिएट करने के लिए यहां पर मैं यूज कर रही हूं ब्लू हेवन की ये सॉफ्ट काजल स्टिक। आप काजल पेंसिल भी इसे बोल सकते हो, आप कोई भी ब्रांड की काजल स्टिक या पेंसिल यूज कर सकते हो, बस वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, कुछ इस तरह से हार्ड पेंसिल का यूज ना करें ताकि हमें स्मोकी लुक देने में आसानी हो सके, इसलिए सॉफ्ट काजल का ही यूज करें। तो एक साइड पर मैं यहां पर यूज करूंगी ये वाली काजल स्टिक जो मेरे पास है, और आपको आपके आईलिड के ऊपर बस एक लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि आप लाइनर लगाते हो। और आपको बिल्कुल भी परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इसे स्मर्ज ही करना है, तो इसकी ये सबसे आसान बात है कि आप इसको किसी भी तरह लगा सकते हो। देखा मैंने किस तरह से बस मेरे आईज लेयर के ऊपर एक लाइन से ड्रॉ कर दी है जिस तरह हम लाइनर लगाते हैं। ओके, मैं बात नहीं करूंगी और ये थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है अभी क्योंकि अभी वेट है। जस्ट इस टाइप के ब्रश से मैं इसे स्मोक आउट कर दूंगी, स्मर्ज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में स्मर्ज करते जाए। तो जहां तक हमारी मार्किंग हो गई है हम वहीं तक इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये स्मर्ज हो चुका है, अब मैं इसे ब्लैक आई शैडो के साथ फिर से स्मर्ज करूंगी और इसे मैं इस तरह से बस ब्लेंड आउट कर दूंगी। जहां तक आपको स्मोकी आईज ले जाने हैं वही तक इसमें भी आप स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं बेसिक सिखा रही हूं तो हम बेसिक की तरफ ही रहेंगे और अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आपको इसे ब्लेंड करना है। चाहे तो आप विंग्स भी क्रिएट कर सकते हो लेकिन ये बेसिक है तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ी से डेप्थ दे देंगे हम आईज को, ये फिनिशिंग लाइन होगी हमारी। और इसे भी हम जेंटली जो है ब्लेंड कर देंगे। और इसे फिनिश करने के लिए हम वाटर लाइनिंग पर भी काजल को फिल कर लेंगे।
हम थोड़ा सा स्मोक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। बहुत ज़्यादा स्मश नहीं करना है हमें इसे, क्योंकि हम बेसिक और रेगुलर यूज के लिए हम ये लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा लाइट होना चाहिए। हम पूरे मेकअप के साथ अगर इसे वेयर करें तो ये थोड़ा बहुत डार्क हो जाए तो चल जाता है, लेकिन आप एवरीडे यूज़ के लिए, एवरीडे लुक के लिए इसे क्रिएट कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप बहुत ही सॉफ्ट रखें। ब्लैक थोड़ा सा ग्रेइश कलर में शिमरी आई शेडो है, तो इसे मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी। आप इस तरह से भी रख सकते हो। बहुत ही सॉफ्टली आपको इसे ब्लेंड आउट करना है। बोन के ऊपर हाइलाइटर लगा दें। इनर कॉर्नर पर भी हाइलाइटर लगा देंगे। हियर वी गो, यहाँ पर हमारा एक लुक क्रिएट हो गया है जो हमने सिर्फ और सिर्फ काजल पेंसिल और काजल स्टिक से क्रिएट किया था, और हमने कोई भी ब्लैक आई शेडो लेना है उसे फिल करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम यूज करेंगे जेल आईलाइनर जिसकी मैंने बात की थी। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मैक का, मेरे पास है ये जेल आईलाइनर, तो इसे हम यूज करेंगे। ब्रश की मदद से इसे यूज करना होता है, तो सेम तरीके से मैं इसे भी ले लूँगी। ओके, और जैसे हमने आईलिड के ऊपर इसे स्प्रेड किया था, सेम टाइप से हम इसे भी स्प्रेड कर देंगे। स्मज हो रहा है वही तक हम इसे स्मज करेंगे, और अगेन जिस तरह से हमने ब्लैक आई शेडो का यूज किया था सेम उसी तरह से करेंगे। रिमूव करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश से इसे सबसे पहले ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड होना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी हार्ड लाइन नजर ना आए। एंड लास्ट में सेम कलर हम पुट करेंगे। इनर कॉर्नर में भी फील करना बहुत ही अच्छे से जरूरी है, तो वहां पर भी अच्छे से फील करें, वहां पर लाइन थोड़ी सी सॉफ्ट रहने दें। और वेट टिश्यू से आप एक्सेस रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सेस जो है वेट टिश्यू से रिमूव कर दिया है।
अगेन कोई हार्ड लाइन नहीं दिखनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आजकल काफ़ी कलर्स में हम स्मोकी आई लुक देखते हैं, ब्लू, रेड और श्रीमरी, तो काफ़ी लुक में क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। आगे जाके हम और ट्यूटोरियल बनाएंगे इस रिलेटेड, वाटर लाइन को फिल कर देंगे। और इससे भी हम स्मॉच कर देंगे सेम कलर से। आपने नोटिस किया होगा ये श्रद्धा कपूर का बहुत ही फेमस पॉपुलर लुक है, स्मोकी आई लुक। अगर हम बात करें तो आपको श्रद्धा कपूर के काफ़ी लुक्स देखने को मिल जाएंगे और करीना कपूर खान के भी कई सारे स्मोकी आई लुक फेमस है। तो आपने देखा किस तरह से बहुत ही आसानी से हमने ये लुक क्रिएट कर दिया है। हमारा स्मोकी आई लुक बहुत ही आसानी से रेडी है। आप देख सकते हैं कितना कम एफर्ट में, कम प्रोडक्ट में आप ये लुक बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो और इतनी ही ग्लैमरस आप भी दिख सकते हो। हैव अ लुक। तो कुछ इस तरह से हमने ब्लैक आई शेडो और ब्लैक कलर के साथ ये स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है। आगे भी हम अदर कलर्स में स्मोकी लुक को ट्राई करेंगे और उसके भी ट्यूटोरियल हम देखेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।